अक्सर ना न कह पाने की वजह से कई लोग तकलीफ में आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि कैसे ना कहें, किसी को बुरा लग जाएगा। रिश्ते निभाने पड़ते हैं, दोस्ती यारी निभानी पड़ती है, ना चाह के भी हमें हाँ कहना पड़ता है, कई बार मजबूरी में करना पड़ता है। क्या करें, नहीं तो हम रिश्ते निभा ही नहीं पाएंगे। कई बार लोग दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में, रिश्ते निभाने के चक्कर में कहते हैं कि अभी ड्रिंक तो पीनी पड़ेगी, स्मोक तो करना पड़ेगा। क्या करें, सब लोग कह रहे हैं, वैसे तो हमें आदत नहीं, पर मना कैसे करें। और कई लोग सिर्फ ना न कह पाने की वजह से आदत ही हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो लोगों के कहने की वजह से किया, अब आदत लग गई। याद रखना, जिस इंसान के अंदर ना कहने की ताकत नहीं है, उसकी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में कभी हो ही नहीं सकता। लोग इतने कमजोर होते हैं जो दूसरों को तो क्या, खुद को भी ना नहीं कह पाते। सोचते हैं कि कल से डाइट शुरू करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, फिर दूसरे दिन सोचते हैं कि बस आज आखिरी दिन, बस आज ये सब खा लें, बस आज मीठा खा लें, बस आज ये चटपटा खाना खा लें। ये सब जानते हुए भी कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते, ना नहीं कह पाते। एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर से जाके पूछा कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मेरा वजन ही नहीं घटता, मुझे कोई एक्सरसाइज बता दें या कोई दवाई दे दें जिससे मैं पतला हो जाऊं। डॉक्टर ने कहा, मैं तुझे कोई दवाई नहीं दूंगा, बस तुझे एक एक्सरसाइज दूंगा, तुझे वो एक्सरसाइज करनी है, तेरा वजन बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। वो पेशेंट बहुत खुश हो गया। वो बोला, ऐसी कौन सी जादुई एक्सरसाइज है जिसके करने से मेरा वजन कम हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा कि जब भी कोई तेरे सामने खाने की चीज आए जो तेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, बस सिर्फ तू नाम में गर्दन हिला देना कि नहीं, मुझे नहीं खाना। जब भी कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जो तेरे मोटापे को बढ़ाए, बस नाम में गर्दन हिला देना। लोग विचारों से इतने कमजोर हैं, इतने वीक हैं, जो खुद को ही ना नहीं कह सकते, वो दूसरों को ना कैसे कहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप दूसरों को ना कहना सीखें, तो सबसे पहले तो आप खुद को ना कहना सीखिए। सब लोगों को पता होता है कि रात को जल्दी सोना अच्छा है, सुबह को जल्दी उठना अच्छा है, देर रात तक मोबाइल फोन यूज करना अच्छा नहीं है, वो हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है, हमें मेंटली वीक करता है, हमें डल करता है, हमें मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, सब जानते हैं। पर उसके बाद भी लोग देर रात तक मोबाइल में लगे रहते हैं। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब जानते हुए भी लोग खुद से ना नहीं कह पाते, खुद को रोक नहीं पाते। याद रखना आप एक बात, जिस इंसान के भीतर ना कहने की ताकत नहीं है, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता, ना वो हेल्दी और फिट रह सकता है, ना वो सक्सेसफुल हो सकता है, ना ही वो अपने गोल अचीव कर सकता है, ना ही वो अपनी मंजिल को पा सकता है, और ना ही वो इंसान कभी खुश रह सकता है। जो इंसान हर काम मजबूरी में कर रहा है, निभाने के लिए कर रहा है, वो कैसे खुश रहेगा। जो चीज आपको समझ नहीं आती, जो चीज आपको पसंद नहीं आती, या जो चीज आपको गलत लगती है, तो उसके लिए आप ना कहना सीखिए। नो मीन्स नो, नहीं करना मतलब नहीं करना, नहीं खाना मीन्स नहीं खाना, कोई चीज नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। कई लोग कहते हैं कि हमारा तो मन नहीं होता, पर हम पार्टीज में जाते हैं या लोगों के घर जाते हैं तो लोग हमें फोर्स करते हैं कि बहुत अच्छा है, एक बार खा लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो, बहुत अच्छा है, वन स्पून ट्राई कर लो, एक बाइट खा लो। याद रखना एक बात, बात सिर्फ एक बाइट या स्पून की नहीं है, बात है आपके डिसीजन की। यदि आप लोगों की बातों को ऐसे ही मानते रहेंगे, फिर लोग कहेंगे कि ये सिर्फ ऐसे ही कहते हैं, ये भी सब कुछ खा पी लेते हैं। तो यदि आप चाहते हैं आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, अपने कंट्रोल में रखें, तो सबसे पहले खुद को कंट्रोल में लाइए। जिस इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, वो कैसे तरक्की कर सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चीजें आपके लिए हार्मफुल हैं, आपको नुकसान कर सकती हैं, उन चीजों के लिए आप खुद को ना कहना सीखिए। और जो बातें आप कहते हैं कि हम रिश्ते निभाने के लिए, दूसरों के लिए मजबूरी में हम हाँ कहते हैं, ये चीजें आपको मेंटली बीमार कर देंगी। आप कभी अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उस काम को करने में आपकी कोई खुशी नहीं है। जो चीज आप मजबूरी में कर रहे हैं, परेशानी में कर रहे हैं, वो ना आपको खुशी दे सकती है, ना दूसरों को खुशी दे सकती है। और क्या आपके रिश्ते इतने कमजोर हैं जो आप ना भी नहीं कह सकते। ऐसे कैसे रिश्ते निभा रहे हैं आप, जो सिर्फ आपकी ना कहने से टूट जाएंगे।
पता नहीं क्यों आप ऐसे रिश्तों को निभाने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे रिश्तों के लिए आप अपनी लाइफ की हर खुशी दांव पे लगा रहे हैं। आप अपने मन की सुख शांति सब कुछ दांव पे लगा देते हैं कि हम ना नहीं कह सकते। फिर भले आप रोते रहें, फिर भले आप चिंता करते रहें, फिर भले आप परेशान होते रहें। कई लोगों के हमने ऐसे किस्से भी सुने, लोग कहते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली थी, हमने सबके लिए किया, सबको देते गए और आज हमारे लिए कुछ नहीं बचा। कैसे ना कहें, कैसे रोके दूसरों को। याद रखना एक बात, जिंदगी में हमेशा प्रायोरिटी आप अपने अंदर की शांति को दीजिएगा। जिस काम को करने से आपकी जिंदगी में तनाव और चिंता आ जाए उसे अवॉइड करना। आप ना कहना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए। वास्तविकता में तो आप खुद से भी प्यार नहीं करते, आप तो खुद के भी दुश्मन हैं। आप खुद को ही नहीं संभाल पा रहे तो रिश्तों को कैसे संभालेंगे। तो ना कहना सीखिए कि नहीं मुझे नहीं करना, ये चीज हमें नहीं पसंद, ये चीज हम नहीं खा सकते, ये चीज हम नहीं पी सकते, इस जगह पे हम नहीं जाएंगे, ये काम हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। हम आपको लड़ना नहीं सिखा रहे, हम सिर्फ आपको ये सिखा रहे कि आप अपने फैसले लेना सीखिए। खुद को पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंड मत कर दीजिए। इतना ज्यादा डर डर के मत जियो। आप अगर अपने फैसले लेना शुरू कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर हाँ यदि आपने खुद अपने फैसले लेना छोड़ दिया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और यदि आप खुद अपने फैसले लेना शुरू कर देंगे तो सब कुछ बन जाएगा। एक कहानी है छोटी सी। एक छोटे बच्चे ने स्कूल में अपने फ्रेंड का एक पेन चुराया। वो खुश होके अपने घर आया, अपनी माँ को उसने वो पेन दिखाया कि ये बहुत महंगा पेन मैंने अपने फ्रेंड से चुराया है। उसकी माँ भी गरीब थी, वो बहुत खुश हो गई कि मेरे बेटे के पास इतना महंगा पेन आ गया। उसने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। अपनी माँ को खुश देखकर अब वो बार बार चोरी करने लगा, पर उसकी माँ उसे कभी रोकती नहीं थी। चोरियां करते करते एक दिन वो बहुत बड़ा चोर बन गया और उसे एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और फाइनली उसे एक दिन फांसी की सजा मिली। जब उसे फांसी लगने वाली थी तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा कि मरने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब उसकी माँ वहां आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि आज जो मुझे फांसी लग रही है वो चोरी की वजह से नहीं लग रही, वो तेरी वजह से लग रही है, तेरे ना न कहने की वजह से लग रही है। अगर तू उस दिन मुझे रोक लेती जिस दिन मैंने अपने दोस्त का पेन चुराया था तो आज मैं फांसी पे नहीं लटक रहा होता, आज मैं कुछ भलाई और अच्छाई के काम कर रहा होता था। तेरी जैसी माँ भगवान किसी को ना दे। याद रखना, जिन्हें आप छोटी छोटी बातें समझकर अवॉइड कर देते हैं वो एक दिन बहुत बड़ी परेशानी के रूप में सामने आ जाती है। कई बार आपके बच्चे जिद करते हैं कि हमें करने दो, माँ बाप सोचते हैं बच्चे ही तो हैं, करने दो कोई बात नहीं, पर जिन बच्चों पे आप आज कंट्रोल नहीं करेंगे, उन्हें आज नहीं रोकेंगे तो भूल जाओ कि भविष्य में फिर आप कभी उन्हें रोक पाएंगे। आप आज से ही उन्हें रोकना सीखिए, संस्कार डालिए। तो डरना छोड़ के, शर्म छोड़ के जिंदगी में ना कहने की आदत डालिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जाने का मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आजकल हर काम लोग मजबूरी में क्यों कर रहे हैं, सिर्फ निभाने के लिए क्यों कर रहे हैं, खुशी ही नहीं है किसी काम को करने की। इससे तो बेहतर है आप ना कर दो। तो सबसे पहले तो आप खुद को ना कहना सीखिए। अगर आप खुद को ना कहना सीख गए तो आप दूसरों को भी ना कर पाएंगे, और ये छोटी सी चीज आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर और खुशहाल बना सकती है। आप जो चाहे वो कर पाएंगे, आप जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए। तो यदि बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और टेंशन फ्री होके जीना चाहते हैं तो ना कहना सीखिए। नो मीन्स नो।